देखो, हम डिस्कस कर रहे थे कि कस्टमर से जितना हमें अमाउंट लेट मिलेगा उतना हमें प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वो वर्किंग कैपिटल साइकिल ज़्यादा हो जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो हम हमारे पास एक सोल्यूशन ये है कि अगर हमारा कस्टमर फॉर एग्जाम्पल हमें 45 डेज में पे कर रहा है, तो हम उसे ऑफर दें कि अगर वो हमें जल्दी पे कर देता है, से सपोज अगर वो हमें 30 डेज में पे कर देता है, हम उसे 1% डिस्काउंट ऑफर करें। इसको कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, अब अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का फायदा होगा या नहीं होगा उसको इवेल्युएट करना है हमें। अब फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि डिस्काउंट का फायदा क्या होगा और क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए डिस्काउंट से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन ऑफरिंग डिस्काउंट। नंबर वन फैक्टर जो हमें कंसिडर करना चाहिए वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यहाँ पर मतलब है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अगर हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो कस्टमर हमें जल्दी पे करेगा। जब कस्टमर हमें जल्दी पे करेगा तो हमें बैंक से कम ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, तो एज ए रिजल्ट हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होगी? हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। एक फैक्टर है कि हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है और डिस्काउंट का इफेक्ट कितना है, उसको देखना है। फिर हमें दूसरा फैक्टर कंसिडर करना है लिक्विडिटी। डिस्काउंट देने से हमारे पास जो कैश आएगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा, उसे देखना है। फिर ये है कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं मुख्तलिफ कस्टमर्स को तो कोई डिस्काउंट लेगा कोई डिस्काउंट नहीं लेगा, क्या हम उसे मैनेज करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज तो नहीं आएंगे? दूसरा ये है कि जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं बाकी कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, और ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री में डिस्काउंट मिलता है और हम डिस्काउंट नहीं दे रहे, फिर उसकी परसेंटेजेस देखी जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है, एक और चीज़, कि डिस्काउंट देने से हमारी सेल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? बाज दफा क्या होता है, डिस्काउंट देने से सेल्स भी बढ़ जाती है। बेनिफिट्स ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट से फायदा क्या होगा? फायदा नंबर वन, कैश जल्दी रिकवर हो जाएगा, बैड डेट्स के चांसेस कम हो जाएंगे, सही, कस्टमर जल्दी जल्दी खरीदेगा, ज्यादा ऑर्डर्स देगा, इन्वेंट्री जल्दी बिकेगी, इन्वेंट्री टर्नओवर पॉजिटिव होगा, अच्छा हो जाएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, सही है। अब हमें इस एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल दिया जा सकता है कि ये इवेल्युएट करो कि डिस्काउंट देना चाहिए या डिस्काउंट नहीं देना चाहिए, तो उसकी कुछ कैलकुलेशन है वो हम करते हैं अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट को इवेल्युएट करने की। ये एक फॉर्मूला दिया हमें, ये फॉर्मूला डिस्काउंट की एनुअल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इससे हम क्या निकालते हैं कि जब हम डिस्काउंट देंगे तो उसकी कॉस्ट होगी, यानी कि अगर एक शख्स को 1,000 रुपीज़ हमें पे करने हैं और अगर मैं उसे 5% डिस्काउंट देता हूँ तो वो मुझे 950 पे करेगा, तो ये जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं डिस्काउंट की वजह से हमारा कैश फ्लो कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट की कॉस्ट को, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट की कॉस्ट है 10% पर एनम, इस डिस्काउंट की कॉस्ट को हम इंटरेस्ट की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट की कॉस्ट है 11% पर एनम। अब जो डिस्काउंट की हमारी कॉस्ट है वो 10% है, और ये जो इंटरेस्ट है ना ये हमारा बेनिफिट है। जितना जल्दी मिलेगा उतना ओवरड्राफ्ट कम होगा, उतना इंटरेस्ट सेव होगा, तो ये कॉस्ट आ गई, ये बेनिफिट हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी बेनिफिट ज़्यादा है, डिस्काउंट की कॉस्ट कम है, तो हम कहेंगे डिस्काउंट देना फीजिबल है, और अगर उल्टा हुआ तो हम कहेंगे डिस्काउंट देना फीजिबल नहीं। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम इंटरेस्ट की परसेंटेज को देखेंगे, अगर वो कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट से ज़्यादा है तो क्या डिसीजन होगा, डिस्काउंट देना इज गुड, डिस्काउंट देना इज फीजिबल, और उल्टा हो जाएगा तो फिर हम मना कर देंगे कि डिस्काउंट नहीं देना चाहिए।
अब इंटरेस्ट की कॉस्ट तो एग्जाम में गिवन होती है, डिस्काउंट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक फॉर्मूला है जिससे हम डिस्काउंट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है निकालने का। क्या निकालने का? एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। इस फॉर्मूले में हमारे पास है 1 प्लस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट लेफ्ट टू पे और पावर नंबर ऑफ पीरियड्स माइनस 1। नंबर ऑफ पीरियड्स निकालने का फॉर्मूला है 365 साल दिया हुआ हो, 365 वीक्स दिए हुए हों तो 52, मंथ्स दिए हुए हों तो 12, ठीक है। और नीचे जो हम डिवाइड करेंगे वो डिवाइड करेंगे कितने दिन जल्दी हमें पेमेंट रिसीव होगी। तो इसके अंदर हमारे पास हमें दो चीजें चाहिए इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, एक हमें डिस्काउंट चाहिए और दूसरा हमें टाइमिंग चाहिए कि कितने दिन के अंदर जल्दी पेमेंट होती है। तो हम ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को इस एग्जांपल पे अप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट वाज़ द फॉर्मूला? फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ दोबारा। कॉस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारे पास 1 प्लस डिस्काउंट अमाउंट लेफ्ट टू पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 1 प्लस डी 100 माइनस डी 365 डिवाइडेड बाय टी माइनस 1। इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया। अब इसके अंदर डी क्या है? डिस्काउंट। इसके अंदर डी है डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं, और टी इज रिडक्शन इन डेज टू ऑब्टेन डिस्काउंट। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाएं तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम एनुअलाइज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के हमारे पास परसेंटेज क्या है और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इस सवाल में देख लेते हैं। पैसले हैज सेल्स ऑफ 20 मिलियन, सेल्स दी हुई है लास्ट ईयर की 20 मिलियन है, रिसीवेबल 4 मिलियन है, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट है 12%। अब ये कंसिडर कर रहा है कि 2% डिस्काउंट ऑफर किया जाए, और डेट्स हमें कितने दिन में मिल जाएंगे? डेट्स हमें 10 दिन में, विद इन 10 डेज के अंदर मिल जाएंगे। कैलकुलेट वेदर द एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द डिस्काउंट एंड स्टेट वेदर यू वुड एडवाइज द डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड। हम ये इवेल्युएट करने जा रहे हैं कि डिस्काउंट देना चाहिए या डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। तो ये इवेल्युएट करने के लिए हमें एक तो इंटरेस्ट की परसेंटेज हमारे पास होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? दूसरा हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारा जो एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट है वो एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट कितना है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला भी मैंने बताया 1 प्लस डी अपॉन डी वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाकर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें डिस्काउंट देना चाहिए या डिस्काउंट हमें नहीं देना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसके ऊपर और फाइंड आउट करते हैं कि ये इस एग्जाम्पल में डिस्काउंट देना इज वर्थ वाइल और नॉट। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अच्छा, हमारे पास जो इस वक्त डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें ये नहीं पता कि हमारे करंट अकाउंट रिसीवेबल डेज कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमने करंट अकाउंट रिसीवेबल डेज निकाले, वो कितने, उसका फॉर्मूला होता है रिसीवेबल ओवर क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। तो रिसीवेबल्स हमारे पास हैं 4 मिलियन के, सेल्स हमारे पास हैं 20 मिलियन की मल्टीप्लाई बाय 365, कितने दिन होंगे?
73। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो पॉलिसी चल रही है उसके अंदर वो हमें 73 डेज में पे कर रहा है, ठीक है। अब हमने उसको क्या कहा है, हमने उसको कहा है कि 10 दिन के अंदर पे कर दोगे, सही है, तो हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे। तो 73 में से 10 दिन माइनस कर दें तो अर्ली कितना देगा, वो कितना रिडक्शन इन डेज होगा, 63, ये टी आ गया, ठीक है। और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 2%, परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे, सही है, एब्सोल्यूट टर्म्स में लेंगे। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1 + 2 / 100 - 2 / 365 / 63 - 1, आंसर निकल। चलिए 365 इस पावर में है, ये पावर में है, पहले इस पावर को सॉल्व कर लें, पहले इस पावर को सॉल्व कर लें, 365 डिवाइडेड बाय 63 करके, ये पावर में माइनस वन अलग से है, माइनस वन इसके साथ नहीं है, माइनस वन जो है ना वो सेपरेटली है। तो 0.12 आ रहा है, 0.1241, 0.12417, सही है। अब इसको सॉल्व करो, 2 upon 98 को सॉल्व करो, सर 0.02 04081। एक सेकंड, अगर हम 2/98 करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.0204, इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो इसका आंसर आता है 1.020, सही, 1.020 की पावर लगाएं, जो पावर आई थी 365/63। तो इसका आंसर जो बनेगा फाइनल वो बनेगा, 1 माइनस करने के बाद इसका आंसर बनेगा 12.41, फाइनल आंसर 12 पॉइंट। तो डिस्काउंट की कॉस्ट कितनी हो गई, 12.41। अब 12.41 डिस्काउंट की कॉस्ट है, और इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है जो सेव होगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 12%। तो कॉस्ट डिस्काउंट की ज्यादा है और इंटरेस्ट की जो सेविंग हो रही है वो कम है, इसका मतलब है ये डिस्काउंट देना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट 12.4 है और बेनिफिट सिर्फ 12% है। तो अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें 0.41 का नुकसान हो जाएगा, इसलिए डिस्काउंट देना इज नॉट फीजिबल, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, एग्जाम में अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाए, फॉर्मूले की मदद से आंसर निकालना होगा, तो सिर्फ हमें दो चीजें दे देगा और उसकी बेसिस के ऊपर हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बाज दफा इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं और ये इवेल्युएट करने को कहा जाता है कि डिस्काउंट लेना चाहिए डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए, तो फिर हमें फिर ये सवाल फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता, फिर इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में जाके, जैसे हमने डेट फैक्टरिंग वाला सवाल किया था, फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में कैलकुलेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम एक सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी डिटेल कैलकुलेशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखें जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल्स दी हुई हैं, रेवेन्यू हमारे पास दिया हुआ है 4 मिलियन, 4 मिलियन की हमारे पास सेल्स हैं, और
क्रेडिट पीरियड हमारे पास है 40 दिन का, क्रेडिटर्स डेज 40। करेंटली हमारे पास बैड डेट्स हो रहे हैं 3% ऑफ सेल्स, जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं उसका 3% जो है वो बैड डेट्स में चला जाता है। और ओवरड्राफ्ट का हमारा जो रेट चल रहा है, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9%। और इस वक्त हमारे पास जो रिसीवेबल्स मौजूद हैं वो रिसीवेबल्स हैं 5,50,000। ये हमारी करंट पोजीशन है, ठीक है। अब कंपनी जो है वो एक डिस्काउंट ऑफर करने के बारे में सोच रही है और उस डिस्काउंट की परसेंटेज है 1%। वो डिस्काउंट किसको दिया जाएगा? जब कस्टमर 14 डेज के अंदर पे कर दे उनको डिस्काउंट किया जाएगा। और डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो बैड डेट्स होंगे वो 3% से रिड्यूस होकर 2.4% पे आ जाएंगे। पहले कितने हो रहे थे बैड डेट्स? 3%, अब कितने हो जाएंगे? 2.4%। तो कितना फायदा होगा बैड डेट्स के अंदर? अच्छा, कस्टमर जो डेज होंगे ना वो डिस्काउंट ऑफर करने के बाद हमारे जो कस्टमर डेज होंगे जो कि अभी 40 डेज के ऊपर थे वो 26 डेज के ऊपर आ जाएंगे। सही? अच्छा, डिस्काउंट जब हम ऑफर करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर कस्टमर डिस्काउंट ले ले। तो हमारे जो 2/3 ऑफ कस्टमर है ना वो डिस्काउंट ले लेंगे। इसका मतलब है जो बाकी कस्टमर हैं 1/3 वाले वो डिस्काउंट में इंटरेस्टेड नहीं। अब हमें इवैल्यूएट क्या करना है, ये सारी सिचुएशन आ गई। अब कंपनी सोच रही है कि डिस्काउंट ऑफर किया जाए या ऑफर नहीं किया जाए। तो ये कंपनी ये सोच रही है डिस्काउंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो हमें डिस्काउंट देने से अगर फायदा होगा तो हम देखेंगे बेनिफिट ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है। तो हम बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि डिस्काउंट देने में फायदा ज्यादा है या डिस्काउंट ना देने में फायदा ज्यादा है, ठीक है। अब उसका तरीका ये है कि क्या हमें इस वक्त हमें जो ये 40 डेज दिए हुए हैं ये कि कस्टमर जो है वो का पीरियड जो है 40 डेज का, लेकिन हम चेक करेंगे हमारा एक्चुअल पीरियड कितना है। एक्चुअल पीरियड के लिए हम पहले फार्मूला लगाएंगे कि हमारा फार्मूला डेटर डेज का कितना है। तो सबसे पहले हमने डेटर डेज निकाले। डेटर डेज का फार्मूला क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल ले लेते हैं ऊपर और सेल से डिवाइड कर देते हैं, 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वक्त कस्टमर हमें कितने दिन में पेमेंट करते हैं फाइंड आउट करें। फिफ्टी डेज में पेमेंट करते हैं। हालांकि हमने उनको पीरियड दिया हुआ 40 डेज का, लेकिन वो हमें 50 डेज में पे करते हैं, ठीक है। और हमारे 50 डेज के अकाउंट रिसीवेबल हैं 5,50,000। अब जब हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और नए कस्टमर को लेकर आ रहे हैं तो हमारा जो रिसीवेबल्स हैं वो रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है कि नए रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे। तो उसने हमें ये बताया कि जो रिसीवेबल्स हैं वो फाइनली 26 दिन के ऊपर आ जाएंगे। तो हम नए रिसीवेबल्स निकालते हैं कि नए अकाउंट रिसीवेबल कितने हो जाएंगे। तो सेल्स हमारे पास कितनी है? सेल्स है हमारे पास 4 मिलियन की और कस्टमर जो हैं वो हमें 26 डेज के अंदर पे करेंगे। तो 26 से मल्टीप्लाई किया और 365 से डिवाइड किया तो ये हमारे नए रिसीवेबल्स आ जाएंगे। ये कितने होंगे? सर 284931। 284931 पहले कितने थे?
अब कितने हो गए, रिडक्शन निकालें, रिडक्शन इन रिसीवेबल। ये आंसर आएगा तकरीबन 550,000 माइनस 265,068। अच्छा, जितना अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस होता है उससे फायदा क्या होता है? सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट। ओवरड्राफ्ट का रेट हमें पता होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट का रेट हमें दिया हुआ है 9%। 265068 को 9% से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारी पहली सेविंग आ गई। यानी कि डिस्काउंट देते हैं तो उसका सबसे पहला फायदा हमें क्या हुआ कि हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फायदा हमें होगा वो होगा सेविंग इन बैड डेट्स। बैड डेट्स की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। पहले बैड डेट्स कितने थे, 3%, अब कितने हो जाएंगे, 2.4%। इसको सेल से मल्टीप्लाई कर दिया, 2,40,000 में अगर लिखा जाए तो 24,000 होंगे। ये दूसरा बेनिफिट आ गया। डिस्काउंट जब देंगे तो उसकी कॉस्ट लगेगी। डिस्काउंट की परसेंटेज है हमारे पास 1%। तो डिस्काउंट कितने लोग अवेल करेंगे, 2/3। तो सेल्स का 4 मिलियन का 2/3 लोग डिस्काउंट लेंगे और डिस्काउंट की कॉस्ट पड़ेगी 1%। ये कॉस्ट निकालो कितनी होगी, 26667। अब इसमें ये दो बेनिफिट्स हैं और ये कॉस्ट है। दोनों बेनिफिट्स को प्लस करके कॉस्ट को माइनस करो। सर आपने सेविंग इन बैड डेट्स में 24,000 क्यों लिखा? इससे कि जो भी ऊपर कैलकुलेशन हो रही है सारी थाउजेंड्स के अंदर कैलकुलेशन हो रही है। ये भी जो आंसर हमने निकाले हैं ये सारे आंसर थाउजेंड्स में, 3 जीरो हटा के कैलकुलेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमने की ना, यहाँ 4,000 लिखो, 4,000 रख के कैलकुलेशन करो, यही आंसर आएगा। तो 3 जीरो हटा दिया। क्या चीज, ये सेविंग है पहली वाली, ये दूसरी वाली भी सेविंग है और तीसरी वाली कॉस्ट है, इसलिए मैंने माइनस में लिखी है। तो दोनों को प्लस करके कॉस्ट माइनस करो, क्या आंसर आता है? पॉजिटिव आंसर आ रहा है जी। इसका मतलब ये हुआ 4,51,189, इसका मतलब है नेट बेनिफिट्स। अगर नेट बेनिफिट्स आ रहे हैं तो फिर हम डिसीजन क्या लेंगे, डिस्काउंट देना अच्छी बात है। और अगर ये आंसर माइनस में आ जाता तो इसका मतलब है डिस्काउंट देना अच्छी बात नहीं। तो डिस्काउंट अवेल करने के लिए अब एक तो तरीका ये, जो फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था डायरेक्टली, वो फॉर्मूला लगा दिया जाए।
और दूसरा तरीका है कि फॉर्मूले के लिए अगर डेटा अवेलेबल नहीं है या वो डिटेल में चीजें दी हुई हैं, तो फिर हम इस तरीके से सॉल्व करके ये फाइंड आउट करेंगे कि बेनिफिट्स कितने हैं और कॉस्ट कितनी है। अगर बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा हैं तो ले लेंगे, और अगर बेनिफिट कॉस्ट से कम है तो इग्नोर कर देंगे, कहेंगे डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम हमने फैक्टरिंग डिस्कस किया था, फैक्टरिंग थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टरिंग क्या होती है? फैक्टरिंग इज एन अरेंजमेंट टू हैव डेट कलेक्टेड बाय अ फैक्टर कंपनी व्हिच एडवांसेस अ प्रोपोर्शन ऑफ मनी इट इज ड्यू टू कलेक्ट। फैक्टरिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो फैक्टर कंपनी होती है वो हमें हमारे कस्टमर से कैश कलेक्ट करके देती है और हमें कुछ एडवांस दे देती है, और अगर बैड डेट्स वगैरह हो तो बैड डेट्स की भी बार दफा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। फैक्टरिंग करवाने के फायदे, अगर एक कंपनी फैक्टरिंग पे जाती है तो उसका फायदा क्या होगा कि उसको कैश जल्दी रिसीव होगा, जब कंपनी को कैश जल्दी रिसीव होगा तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी अपने सप्लायर को जल्दी पे करके डिस्काउंट ले सकती है। कंपनी के पास कैश ज्यादा होगा, कंपनी ज्यादा इन्वेंट्री बना के रख सकती है। अच्छा, जितनी सेल्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि एडवांस का जो पोर्शन होता है वो इस तरह से कनेक्ट होता है 80% ऑफ सेल्स, इसका मतलब है जितनी सेल्स बढ़ती चली जाएंगी हमारे पास कैश उतना ही ज्यादा आता चला जाएगा। ग्रोथ कैन बी फाइनेंस थ्रू सेल्स, और हमें अपना स्टाफ जो है रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्टाफ की कॉस्ट सेव हो जाएगी, ये फायदा होता है इसके अंदर।